जेपी यूनिवर्सिटी के एक एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, रिजल्ट को लेकर और परीक्षा को लेकर बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आया है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी दी जाएगी और वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट खास है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को थोड़ा सा भी आगे पीछे भगा कर मत देखिएगा। चैनल पर न्यू यूजर हो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक कर दो और बगल में घंटी का ऑप्शन उसको दो कि आने वाले जब भी मैं वीडियो डालूं जेपी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। पूरी जानकारी पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से नहीं ज्वाइन हुए हो तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वीडियो को पूरा देख लो, उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको शुरू करता हूँ और लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि आखिर क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर आया है रिजल्ट को लेकर और परीक्षा को लेकर। पूरी जानकारी दूंगा। 2014-17 के जितने भी छात्र हैं जिनका परीक्षा छूट गया था, किसी भी कारण वंचित थे परीक्षा से, और थर्ड ईयर में 2015-18 और 2016-17 वालों के साथ जो है 16-19 वालों के साथ दे सकते हैं दोस्तों। थर्ड ईयर की परीक्षा आप लोग देख सकते हैं और रिजल्ट जो है आप लोगों को रिजल्ट को लेकर बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आया है। तो देर ना करते हुए मैं आप ले चलता हूँ, लाइव प्रूफ दिखाता हूँ क्या अपडेट निकल कर आया है। तो चले दोस्तों, तैयार हो आप लोग, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जेपी यूनिवर्सिटी की पल पल के अपडेट हम इस चैनल पर डालते हैं, चाहे वो छोटी अपडेट हो या बड़ी अपडेट हो, ठीक है। एक एक के स्टूडेंट्स को पूरी जानकारी दी जाती है इस चैनल पर, कोई भी अपडेट मिस ना हो इसलिए पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो बनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा, ओके। ये आज का ये बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आया है सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मैं ये दिखा दूँ सभी स्टूडेंट्स को कि स्नातक तृतीय खंड की परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रति कुलपति को सौंपा ज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, स्नातक तृतीय खंड की परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रति कुलपति को सौंपा ज्ञापन, ये बड़ी खबर है सभी स्टूडेंट्स के लिए और ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, बताया जा रहा है कि स्नातक जयप्रकाश विश्वविद्यालय स्नातक तृतीय खंड की परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्र संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल जेपी विश्वविद्यालय प्रति कुलपति से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन में बताया कि 2014-17, ध्यान से सुनिएगा ये वीडियो, ठीक है, 2014-17 के परीक्षा में प्रमोटेड अनतुल्य अनुपस्थित समेत कई कारणों से वंचित सैकड़ों छात्रों का भविष्य, जी हाँ दोस्तों, अंधा, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, अंधकार में होता जा रहा था। यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि उन्हें वर्तमान में चल रहे पार्ट थ्री की परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति विश्वविद्यालय द्वारा और से मिलने विश्वविद्यालय की ओर से मिलना चाहिए ताकि यह परीक्षा में शामिल हो सके, ठीक है। ज्ञापन में बताया गया कि पिछली बार 2015-18 और 2016-19 की पार्ट थ्री की परीक्षा का 17 विलंब की वजह से संयुक्त तौर पर ली गई थी। इस कारण 2014-17 के छात्र छात्राएं रिजल्ट सुधार के लिए तृतीय खंड की परीक्षा में बैठने से वंचित हो गए, ठीक है। प्रतिनिधिमंडल में शेख निषाद, राजीव रंजन मिश्रा, शशि भूषण कुमार, संजीव कुमार, सविता कुमारी और अन्य शामिल सभी लोग थे। ऐर्स मढ़ोरा में चला स्वच्छता अभियान और मढ़ोरा स्वच्छता अभियान के तहत स्थानीय बजरंग गैस एजेंसी के कर्मचारी ने प्रसिद्ध गढ़ देवी मंदिर प्रसिद्ध के साफ सफाई की। इस दौरान गैस एजेंसी के कर्मचारियों ने मंदिर में मेन गेट के सामने और आसपास एरिया में खुद ही श्रमदान कर सफाई की। इस अभियान में एजेंसी प्रबंधन सेलेंस, यहाँ पर देखिए सैलेश सिंह, राहुल सिंह, जीतन और बहुत सारे ऐसे बड़े लाल विजय शाह सहित अन्य लोग शामिल थे। सबसे पहले तो बात यह है, खुशखबरी की बात यह है कि अब स्नातक तृतीय खंड की परीक्षा में जितने भी जो लोग शामिल होने के लिए प्रति कुलपति को सौंपा गया है ज्ञापन का, अब यह आप लोगों का परीक्षा जो है बहुत जल्द होगा सभी स्टूडेंट्स का, ओके। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स के पास, क्योंकि देखिए ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ही मान्यता है। मैं छोटी सी बड़ी अपडेट जेपी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड देता रहता हूँ और कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो इसलिए पूरी जानकारी के साथ वीडियो बनाता हूँ।
पूरी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता है। जेपी यूनिवर्सिटी का ऑल स्टूडेंट्स को, चैनल पर नए यूजर हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो कि आने वाली पूरी जानकारी जेपी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मिलता रहे। चाहे परीक्षा हो या परीक्षा फॉर्म या मेरिट लिस्ट हो या एडमिशन या मार्कशीट, कुछ भी हो, सारा कुछ अपडेट दिया जाता है जेपी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो सभी स्टूडेंट्स चैनल को ज्वाइन कर लो और वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में। और जैसे कि आप लोगों को मैं बताया कि टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हुए तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ऑलरेडी हमने दे रखा है। सभी स्टूडेंट्स पल पल के अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को क्लिक करो और ज्वाइन हो जाओ सभी स्टूडेंट्स। तो वीडियो कैसी रही कमेंट सेशन में जरूर बताएं। यदि अगर आपका कोई सवाल हो, किसी भी तरह का कुछ पूछताछ करना चाहते हो तो नीचे मैसेज करके पूछ सकते हो, आपको उसकी भी जानकारी दे दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।